सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की सवारी होने वाली है अपनी ड्यूक 390। अरे भैया जी कहाँ चले सुबह सुबह? चलो ठीक है। तो आज है होने वाली है भाई फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे सोलो राइड। यस, आज अपन करने वाले सोलो राइड, और सोलो राइड मतलब होने वाली एकदम पावर राइड। तो आज बने रहना ब्लॉग में, स्किप विप करने का जरा भी कोई चांस मत ले लेना आज। तो फटाफट पहले चाय पीते नागोरी पे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो फ्यूल अप हो चुका है अपना, मैंने टैंक फुल कराया लेकिन तू भी एक पॉइंट कम दिखा रहा है, क्या मालूम ये समर्थ को पूछेगा अपन जाके। और ये सोलो राइड में अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मेरी गाड़ी में था चेन का प्रॉब्लम। तो मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अगर चेन टूट जाती तो सोलो राइड भाई किसको बुलाते साथ में। तो इससे अच्छा मैं लेके आया समर्थ की गाड़ी। और आज थोड़ा बादल साथ नहीं दे रहे, बारिश आई तो भी कोई अभी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एकदम सोलो है तो मस्त प्यार प्यार से जाएंगे। और यस, ब्रिज पे पहुंच चुके हैं अपन। और ऊपर तो काले काले बादल है लेकिन सामने थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है। तो अब आगे जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि मौसम कैसा है। और ड्यूक जैसी कंफर्ट बाइक हो ही नहीं सकती भाई, कोई इतनी कंफर्ट दे रही है मेरे को, क्योंकि अगर मैं आरसी चलाता हूँ और मेरे को एक दिन के लिए ड्यूक मिली तो भाई रियल कम्फर्टनेस मालूम पड़ रहा है मेरे को इसका। और जो इसकी गाड़ी है ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है तो एकदम स्मूथ चल रही है। और भाई की गाड़ी में लगा हुआ है 80 का एग्जॉस्ट, तो 80 का एग्जॉस्ट लाउड होता है पर इसकी गाड़ी में इतना स्मूथ है। अगर मैं कहाँ पे रुकूंगा तो मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। ओ क्या साउंड दे रही है भाई स्विफ्ट, अपन भी सोलो है तो ज़्यादा आज भगाएंगे नहीं, प्यार से जाएंगे। ओहो थोड़ा क्विक शिफ्टर का फायदा उठ रहा है, पर क्या ही गियर गिर रहे भाई, क्लचलेस गियर डालने की तो मज़ा ही अलग है। और अगर सनराइज हो गया तो भाई में आ जाएगा जोश, और तब तक अपन पहुंच जाएंगे हाईवे पे। 390 के साथ बहुत मजे करने वाले अपन। दिस इज द रॉकेट पॉकेट बाइक, तब मजा आने वाली, क्योंकि जितने भी क्लाउड थे सबको ब्रेक करते हुए सन बाहर आया। तो ये जो रोशनी दे रहा है वो अलग ही रोशनी है भैया जी। तो अपन जाएंगे ब्रिज के ऊपर से। एक्चुअली मैं सीन ये है कि ये ब्रिज पे बाइक अलाउड नहीं है, लेकिन क्या मालूम इतना कुछ ज़्यादा है ही नहीं तो सब लोग बाइक वाले यही ब्रिज से जाते हैं। और क्या ही ब्रिज है भाई, बस ये थोड़ा हम लोग स्मूथ करना भूल गए इसको, क्योंकि ये अगर अपन स्पीड में गाड़ी इधर उधर करते तो ओवरबल होने के चांसेस है। क्या ही व्यू है भाई यहाँ का, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत हो रही है क्योंकि इस पर इतना विंड ब्लास्ट आ रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा ही विंड ब्लास्ट है। क्योंकि अपन आरसी पे रहते थे तो वो तो ठहरी अपने फुली एरोडायनामिक, और इस पर एकदम स्ट्रेट बैठ के चलाना रहता है तो भाई हवा तो लगेगी। तो अपनी गाड़ी मस्त 80-80, 90-90 जा रही है, और ये स्पीड में तो अपन ने कुछ 35 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। पनवेल के भी आगे आ चुके, तो सोलो राइड की भी भाई एक अलग मज़ा आज मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे को 35 किलोमीटर काटने कितना टाइम लगता था। और स्टार्टिंग में भी फ्रेंड के लिए रुको, एक जन लेट हो गया, एक जन जल्दी खड़ा है, चलो कॉर्नरिंग से बातें करते हुए जाते हैं, क्या बात है। वंस मोर हो
क्या ही कॉर्नरिंग हो रही है भाई इसमें। तो सोलो राइड है तो सोचा क्यों ना मैकडी में खाया जाए, क्योंकि ऐसे ही मन हो रहा है कि थोड़ा मस्त एकदम पेरी पेरी फ्राइज और एक चीज़ वाला बर्गर खाया जाए। तो निकल गए मैकडी से और आज अपन ब्रेकफास्ट में एकदम मस्त अलग चीज़ खाई, वेज मैक मफिन, यस, और क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा मैंने छोटा सा वीडियो लिया, दिखा देता हूँ, बस इतना ही लिया है मैंने वीडियो। मेरे को लगा कुछ काम आएगा, मैं स्टोरी डालने के लिए लिया था, पर अच्छा है व्लॉग में डाल दिया। तो चलो वापस निकलते हैं अपने रोड पे और ब्रेकफास्ट करके तो जो जोश आ गया है ना भाई में, और JNPT का रोड भी अभी आने वाला है तो और मज़ा आने वाली। और ये रोड पे चलाने की एक अलग ही मजा है भाई। कतई जहर वाला राइड मारा भैया जी ने। इसका सीजन गया तो एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन है पूरा, तो बारिश के बाद जो व्यू रहता है ना 2-3 महीना वो अलग ही रहता है। जो लिमिटर लाइट आ रही हो क्या ही लग रही है भाई। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है। ओहो हो, तो ये बिल्डिंग वालों का तो अलग ही मज़ा आती रहेगी। तो अभी थोड़ा एंजॉय करो टाइमलेस ये रोड का। तो आज का तो कुछ अलग ही है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि धूप भी आ रही है, काले काले बादल भी है और ये माउंटेन पे एकदम क्लाउड्स ने घेर लिया है पूरा। तो ये व्यू तो एक देखने की अलग ही मज़ा आ रही है। ये पोलो वाले भैया कुछ ज़्यादा ही पावर में है। और विदाउट इंडिकेटर दिए बिना लेफ्ट राइट हो रहा है कब से, मेरे आगे भी ऐसे आया इसीलिए मेरे को GoPro चालू करना पड़ा। चलो बाय बोलने का टाइम आ गया, बोलो। ये गाड़ी को लेके अपन लद्दाख भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि क्या ही मज़ा आई भाई। RC 390 के सिवा मैंने लॉन्ग ट्रिप कोई भी बाइक पे नहीं मारी, पहली ये गाड़ी होगी जिसके साथ अपन ने लॉन्ग ट्रिप मारी है और इससे अपन बेहद खुश हुए। चेक करते इसका क्विक शिफ्टर, क्या ही पावर है भाई।
तो जिसका हमें इंतज़ार था वो कॉर्नरिंग वाले रोड आ गए हैं। खंडाला 8 किलोमीटर, लोनावाला 12 किलोमीटर। तो चलो खंडाला की पहली कॉर्नरिंग एकदम शांत से और एकदम प्यार से। क्या बात है, और हर कॉर्नर में कोई ना कोई अपने को बोल रहा है भैया जी इसे धीरे चलाइए। और क्या बात है, आंटियों का क्रेजी रिएक्शन। और ये करेंगे डाउनशिप, 3 2 बस 2। ओह हो, तो कैसा लगा आपको ये व्यू? और ये व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है। तो बस पहुंच गए हैं लोनावाला, और यहाँ पे अपने को एक मतलब फ्रेंड है वो, उसको मिलना है, और उसको मिलेंगे और निकल जाएंगे अपने घर के लिए रिटर्न। तो फटाफट उससे मिलते हैं। सो यहाँ होटल पे रुके, फ्रेंड को मिले, लंच वंच किया, उतने में तो भाई वेदर देखो क्या हो गया। तो लोनावाला में कब कब धूप से बारिश वाला मौसम हो गया, कुछ बोल ही नहीं सकते। बस बारिश ना आए तो अच्छा है, फटाफट निकल लेते अपन। तो चलो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते, क्योंकि बारिश का थोड़ा चांस है। तो मैं गोप्रो भी रख देता हूँ बैग में, व्लॉग करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।